रवि बहुत अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं हूं सलमान, आप देख रहे हैं गिन बजन लवर चैनल। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि आप लोग अगर खाने में ये चीज़ें अपने बर्ड्स को देते हैं तो आज से ही दोस्तों अवॉइड कीजिए, ये चीज़ आप खाने में मत दीजिए अपने बर्ड्स को, क्योंकि हर चीज़ इनको नहीं खिलाई जाती और कुछ चीज़ें होती हैं कि इनके लिए हार्मफुल होती हैं, ख़तरनाक होती हैं, और इनसे अगर आप वो चीज़ अपने बर्ड्स को खिलाते हैं तो उनसे उनकी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों आप वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको वीडियो समझ में आएगी, आप जान सकेंगे इस वीडियो के बारे में। तो दोस्तों वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि हम लोग अपने बर्ड्स को पालते हैं, शौक से पालते हैं, और जिसको शौक होता है दोस्तों वही ख्याल रखता है खाने के लिए, हर चीज़ वही लेकर आता है। हर कोई चाहता है कि हमारे बर्ड्स, हमारे जानवर हेल्दी रहें, अच्छे रहें और एक्टिव रहें, हर चीज़ हम इनको खिलाएँ, और ताकि जो चीज़ हम खाते हैं वो भी चीज़ हम इनको भी खिलाएँ। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता, हर जानवर एक सा नहीं होता, हर किसी की बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, हर किसी का नर्वस सिस्टम अलग होता है दोस्तों, जो हर चीज़ खाने के लिए कोई भी जो जिसे मैं वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप हर चीज़ इनको नहीं खिला सकते दोस्तों, वो मैं आज आपको बताऊंगा कि इससे पहले वीडियो बनाई है कि ये चीज़ खिलाइए, आप सॉफ्ट फूड खिलाइए, ये चीज़ खिलाइए, शायद अच्छा होगा, अच्छी ब्रीड करेंगे, अच्छा हेल्दी रहेंगे, कि आज मैं बताऊंगा कि आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है, आपको अपने बर्ड्स को नहीं खिलानी है ये वाली चीज़ें। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि बर्ड्स के जो हम हैंड फीड करवाते हैं, बहुत से हैंड फीड कराते हैं, और जैसे कि हैंड टेम करवाना है बर्ड्स को, चिक्स को वो बचपन से पालते हैं, तो कुछ होते हैं शौक में घर में अपने पालते हैं, तो वो मिल्क पिलाते हैं, मिल्क दूध, जो दूध अपने बच्चों को पिलाते हैं अपने बर्ड्स को, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा वो हार्मफुल होता है बर्ड्स के लिए दूध को, और दूध को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता और उसको वोमिटिंग हो जाती है, और वोमिटिंग होने के बाद वो खाना जो उसका जो लीवर है वो उसमें अंदर स्वेलिंग आ जाती है, और जब लीवर काम नहीं करता तो वो खाना पीना छोड़ देता है, और उसको भूख लगना बंद हो जाती है, और उसका भूख लगना बंद हो जाती है तो वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और उससे वो मर भी जाता है। और दोस्तों दूसरी चीज़ है प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन आप जानते होंगे, ऑनियन और गार्लिक जो चीज़ आपके खाने में इस्तेमाल होती है, आप हर कोई जानता होगा प्याज और लहसुन, तो आप वो चीज़ आप अपने बर्ड्स को बिल्कुल मत खिलाइएगा कभी भी। जितना कि प्याज और लहसुन जो है इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होता है, तो उतना ही ख़तरनाक अब बर्ड्स के लिए होता है लहसुन। लहसुन जो होता है दोस्तों, प्याज और लहसुन जो इनके दिल के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, जो रेड ब्लड सेल होते हैं बर्ड्स के, लहसुन जो है दोस्तों इनके लिए, जो इनके जिस्म में जो रेड ब्लड सेल होते हैं, तो वो इनको डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है धीरे धीरे। अगर आप डेली प्याज और लहसुन देते रहेंगे तो आप उनके जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो एकदम से घट जाएंगे, और जो दिल की जो दिल के अंदर जो खून का दौरान होता है वो बंद हो जाता है, दिल धीरे धीरे इनका धड़कना बंद हो जाता, काम करना बंद कर देता, और अचानक से इनको हार्ट अटैक आ जाता और इनकी अचानक से मौत हो जाती है। आप देख नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे आपका बर्ड्स कैसे मर गया, और वो अच्छा खासा होगा, धीरे धीरे सुस्त होगा एक दो दिन, और दूसरे दिन तीसरे दिन अगर आप देखेंगे तो बर्ड्स आपका मरा हुआ मिलेगा। अगर आप ये चीज़ खिलाते हैं दोस्तों, तो आप बिल्कुल मत खिलाइएगा, कभी भी सोचिएगा मत कि अपने बर्ड्स को हम प्याज और लहसुन खिलाएं। और तीसरी चीज़ है दोस्तों नमक, सॉल्ट। अगर आप अपने बर्ड्स को नमक का सेवन कराते हैं, अगर खाने में सॉफ्ट फूड में और या बॉइल्ड राइस में ख़ास तौर से अगर आप नमक डालते हैं, तो दोस्तों नमक मत डालिएगा बिल्कुल भी, आप बर्ड्स अपने बर्ड्स को नमक बिल्कुल मत डालिएगा। बहुत से होते हैं कि घर में जो चावल बने होते हैं खाने के, जो लोग हम खाते हैं, तो वही बर्ड्स को डाल देते हैं, क्योंकि उसके अंदर नमक होता है, नमक अगर देंगे तो वो भी ख़तरनाक होता है दोस्तों। उसको नमक जो है बर्ड्स के लिए इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डिसबैलेंस कर देता है पानी की कमी को, और जब पानी की कमी हो जाती है तो इनके जिस्म में पानी बनना बंद हो जाता है और किडनी पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आप नमक ज़्यादा खिला रहे हैं चावल में डाल के, किसी सॉफ्ट फूड में डाल के, तो दोस्तों इनकी किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये चीज़ें दोस्तों आप अवॉइड कीजिए, अगर आप ये चीज़ खिला रहे हैं, अगर आपने हैंड टेम किया है तो आप दूध ना पिलाएं अपने बर्ड्स को कभी भी, और प्याज और लहसुन का आप परहेज़ करें, प्याज लहसुन कभी भी ना खिलाएं, और नमक, नमक का ध्यान रखें, चावल में नमक बिल्कुल ना डालें। बॉइल्ड राइस जब भी दें तो बॉइल्ड राइस को आप उबालें, सिर्फ फीके जैसे उबालते हैं आप उसको वैसे ही देना है, आपको नमक बिल्कुल ना डालना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें, जो बराबर में बेल आइकन है इसको क्लिक करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।